आज की तारीख है अट्ठाईस छ चौबीस मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो अंतर्मुखी बनने का मतलब ये नहीं कि हम एकांत में चले जाएं अकेले रहें चुप रहें किसी से भी बात न करें नहीं चुप रहना है परंतु मुख से कुछ भी बोलो नहीं हर कार्य शांति से करो कार्य भी करें मुख से बोले भी नहीं परंतु शांति बनी रहे कई कार्य करते हैं परंतु कार्य करते करते इतना बोलते हैं जो पूरा ही वातावरण अशांति का बन जाता है तो कभी भी अशांति नहीं फैलाओ प्रश्न है तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है उत्तर है क्रोध कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं क्रोध की अग्नि में पानी के मटके भी सूख जाते हैं भारत का मटका जो हीरे जवारातों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है दूसरों को भी तपाता है धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य नंबर एक अपने आप से पूछना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है जोर से बोलने अशांति फैलाने के संस्कार तो नहीं है लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है नंबर दो किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है देह सहित सब कुछ भूलकर याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है वरदान सदगुरु शिव पिता का ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो अधिकार समान है लेकिन विधि से सिद्धि है इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा स्लोगन है संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते